हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमित कुमार गुप्ता। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको एक जानकारी देना चाह रहा हूँ जो बैंक वाले भी आपको नहीं बताते हैं। दोस्तों आप लोग जो सेविंग अकाउंट में अपने पैसे रखते हैं दोस्तों, 10,000, 20,000, 40,000, जो दोस्तों आपके पास पैसे हैं जो किसी काम के नहीं है, सिर्फ जमा है बैंक में दोस्तों, तो उस पर सेविंग अकाउंट में रखने से बैंक कोई ब्याज नहीं देता है दोस्तों। तो आप क्या करें कि उसमें एक फिक्स डिपॉजिट होता है जिसे FD कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो दोस्तों आप FD करा सकते हैं। दोस्तों ये देखिए पंजाब नेशनल बैंक का FD का फॉर्म है, तो मैं बताऊंगा कैसे FD का फॉर्म भरा जाता है। ये दोस्तों नॉर्मल FD का फॉर्म है, आप देख सकते हैं। बैंक में जाइए, बोलिए नॉर्मल FD का फॉर्म चाहिए। दोस्तों बैंक के बहकावे में ना है, वो दुनिया भर का आपको FD प्लान बताते रहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको नॉर्मल FD कराना है बस, आप नॉर्मल FD का फॉर्म दीजिए, उनके बातों में ना है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये पंजाब नेशनल बैंक का FD का फॉर्म है। तो इसको कैसे भरना है दोस्तों, इसमें सारी जानकारी नहीं भरनी, इसमें कुछ ऑप्शन है जो आपको भरने, बाकी छोड़ देना है, तो वही मैं आज बताने जा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ ब्रांच नेम डालना है आपको, ये देखिए, और यहाँ अकाउंट नंबर, और यहाँ आपको नाम भरना है। अगर एक लोग के नाम से FD कराने तो एक का नाम भरेंगे, दो के नाम से कराने दो लोग का, तीन के नाम से कराने तीन नाम भरेंगे। और दोस्तों यहाँ कितनी की FD कराने वो भरेंगे, और जो FD कराने वो पैसा किस अकाउंट से कटेगा वो अकाउंट नंबर यहाँ डाल के यहाँ साइन कर दीजिए। और दोस्तों कितने साल के लिए आप कराने या कितने महीने के लिए कराने वो यहाँ भर देंगे, ठीक दोस्तों। बाकी ये सब बैंक वाले भर देंगे, इसको छोड़ दीजिए। और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सब आपको छोड़ देना है यहाँ साइन करके, बाकी वो लोग अपना भर लेंगे। पैन नंबर भी नहीं डालना, पैन नंबर आपके अकाउंट में पड़ा रहता है तो। और दोस्तों यहाँ डेट ऑफ प्लेस डालना है, यहाँ सिग्नेचर करना है। अगर एक लोग के नाम से तो एक ही लोग करेंगे, तीन लोग के नाम से तीन लोग करेंगे। और दोस्तों यदि आप सिग्नेचर नहीं कर पाते तो यहाँ थंब इम्प्रेशन भी लगा सकते हैं अपना, और यहाँ एक साइन करना है, ठीक दोस्तों। और बाकी ये सब छोड़ देने हैं, ये सब भरने की जरूरत नहीं, वो लोग भर लेंगे अपना। जैसे ये देखिए, ये ऑप्शन किस चीज़ का, मतलब ब्याज आपको कैसे चाहिए, इकट्ठा चाहिए या एनुअली चाहिए या हाफ ईयरली या 6 महीने में चाहिए या 3 महीने में चाहिए या महीने में चाहिए। जैसे मंथली पे टिक कर देंगे तो जैसे आपने 10 लाख की FD कराई तो 10 लाख पे जो ब्याज बनेगा वो हर महीने आपको मिलेगा, और अगर आप एनुअली कर देंगे तो साल में ब्याज मिलेगा। मतलब आपका पैसा वो जितना 10 लाख आपने जमा किया वो 10 लाख जमा रहेगा, उस पर साल में जो ब्याज बनता वो अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन ऑन मेच्योरिटी करेंगे तो वो जैसे 7 साल के लिए आपने किया तो 7 साल बाद ही वो उसका ब्याज मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। और दोस्तों ये पैसा आप कभी निकाल सकते हैं FD कराने के बाद, इसको अब FD ब्रेक की जाती है। FD ब्रेक करने पे वो जो आपका अमाउंट है वो सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। और दोस्तों ये फॉर्म भरकर जब आप देंगे तो ये आपके FD के अकाउंट से जो पैसा है वो डेबिट हो जाएगा, मतलब वो आपके अकाउंट से कट जाएगा और वो बैंक अपने कब्जे में ले लेगा और एक आपको एक कागज़ बना करके आपको दे देगा वो, ठीक दोस्तों। तो इसमें दोस्तों आपको ब्याज भी अच्छा मिल जाएगा, आपका पैसा भी सुरक्षित रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। दोस्तों आप बड़े बैंक में ये FD कराएं, जैसे कि देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक या SBI या यूनियन बैंक में कराएं, किसी प्राइवेट बैंक में ना कराएं, नहीं दोस्तों आपका पैसा डूब सकता है। और दोस्तों आप ये देखिए पीछे का फॉर्म भरना बताता हूँ, यहाँ ब्रांच ऑफिस नाम डालिए, ठीक है दोस्तों, और ये सब छोड़ देना है। और यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ नॉमिनी डालना है, मतलब जैसे आपने अपने नाम से FD कराई तो आप नहीं रहेंगे तो जो नॉमिनी रहेगा वो निकाल सकता है, ये देख सकते हैं। नॉमिनी में डाल दिए उसका रिलेशन क्या है, उसकी एज, उसकी डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, नेम पूरा डाल दीजिए। और दोस्तों ये सब नहीं भरना है, ये सब वो लोग भर लेंगे बैंक वाले, और अपना साइन कर दीजिएगा, साइन यहाँ करना है।